मैंने बताया था ना कि मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। हम लोग दोपहर में भी गए थे छोटी मोटी सी शॉपिंग करने, और अभी भी गए जाने बस ये बात है। मार्केट तो निकलने लायक नहीं था, वहाँ पर इतनी रश, इतना रश, इतना रश, एक दूसरे से लोग टकरा रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था भीड़ देख के। ये कुर्ती पूरा शॉप लगा हुआ था यार, मतलब स्टॉल लगा हुआ था पूरा। और मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ मैं क्या लेकर आई, और आप लोगों की चीज़ और ये पर्दा कितने दिन से दिया हुआ था इसका, मतलब नीचे से बहुत ज़्यादा ये लंबा उठा था, इसको थोड़ा सा इसको मतलब सिल करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए। और एक ये है, और ये है ये पर्दा, ये भी सिल के आ चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए रूम कितना मैसी है, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और मेरी किटी पाई लगी हुई है बहुत ज़्यादा मैसी रूम है। जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो ये मैं मेहंदी लेकर आई, जितना ये तो पूरा मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरे हमेशा काम पड़ता रहता है तो मेहंदी का, तो इसलिए मैं पूरा बैग ही ले लिया मैंने, लेकिन शायद 10 है। और ये कुछ स्नैक्स वगैरह और भी है सब उधर रखा। और सबसे खूबसूरत मुझे ये बहुत खूबसूरत मिल गया, ये मुझे चाहिए भी था, मैं जा रही थी तो मैंने कहा रुक 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 ये मैं ले लूँ। ये सेंटर टेबल है, क्या है क्लॉक, बहुत मतलब खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ना गाइस, बताना जरूर, बहुत खूबसूरत है ना। देखिए मैंने दो परचेज किया, और इसमें कुछ छाछ वगैरह है तो इसको मैं फ्रीज करके रख देती हूँ, फ्रीज में देखती हूँ जगह है या नहीं। फ्रीज में तो जगह नहीं है, लेकिन इसे मैं एडजस्ट कर दूँगी। और हाँ, ये मैं रेडबुल भी लेकर आई थी, ये रहा रेडबुल वेल केयर, और ये रेडबुल, चलिए हो गया। मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत। और यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि मैंने इफ्तार किया और सुबह से नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद से थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं हो पाई, कि वो नीरस भी लग रहा था इसलिए इसमें लग गई सही से। आज मैंने इफ्तार नहीं किया। और इधर बन रही है सिवई, तमाम सिवई जिसके लिए मैंने तमाम कर लिया था, और ये अब तमाम रेडी हो रहा है। रही सिवई, सिवई को मैंने पहले ही ब्राउन मतलब बोन लिया था एकदम ऐसी ब्राउन, पहले बोले तो सही रहता है यार, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे बड़ा। और हेलो एवरीवन, ईद मुबारक। मैं ईद का ब्लॉग तो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बहुत लोग आ रहे थे इसलिए मुझे फुर्सत नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं। जो भी मैंने चांद रात का ब्लॉग बनाया वो आप लोगों से शेयर किया। और ईद के सेकेंड डे हम लोग गए थे मूवी देखने, भाई जान को देखने गए थे, तो कुछ मूवी का भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो बस नहीं था ब्लॉग, चांद रात का जो भी ब्लॉग मैं बना सकी वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, ऐसे आपसे छोटी छोटी ब्लॉग में मिलती रहूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। लव यू।